तो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग CLR1 पार्सर बनाना सीखेंगे। CLR1 पार्सर बॉटम अप पार्सर का एक पार्सर है। बॉटम अप पार्सर के अंदर मेनली दो तरह के पार्सर्स होते हैं, ऑपरेटर प्रिसिडेंस पार्सर्स और LR पार्सर्स। इस LR पार्सर्स के दो कैटेगरीज होते हैं, LR0 आइटम बेस्ड पार्सर एंड LR1 आइटम बेस्ड पार्सर। LR0 आइटम बेस्ड पार्सर में दो पार्सर्स LR0 और SLR1। LR1 आइटम में दो पार्सर्स हैं, LALR1 और CLR1। हम लोग पहले CLR1 देखेंगे और उसके बाद LALR1 पार्सर के बारे में जानेंगे। बेसिकली LALR1 पार्सर CLR1 पार्सर के हेल्प से बनाया जा सकता है, इस वजह से हम लोग पहले CLR1 देखेंगे। यहाँ LR0 आइटम क्या है ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देखे हैं, फिर भी यहाँ हम दिखाते हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन में यदि इस तरह का प्रोडक्शन हो तो इस प्रोडक्शन के राइट साइड प्रोडक्शन में यदि हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर डॉट रख दें तो ये हमारा LR0 आइटम बनता है। इस LR0 आइटम को यदि हम लुक अहेड के साथ जोड़ दें, यानी कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम प्लस लुक अहेड आइटम इज कॉल्ड LR1 आइटम। LR0 आइटम बनाने के बाद हम लोग लुक अहेड बनाएंगे, और लुक अहेड कैसे बनाते हैं इसका हम इस वीडियो में कंप्लीट तरीका सीखेंगे। नेक्स्ट, जो हमारे पार्सर्स होते हैं, इस पार्सर्स में कई डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। उस कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर फिगर में जैसा दिखा रखे हैं कि हर पार्सर्स एक स्टैक यूज करेगा, जिसका स्टार्टिंग और फर्स्ट सिंबल हमारा डॉलर होगा, और इधर हम उस पार्सर का पार्सिंग टेबल यूज करते हैं, और यहाँ पर CLR1 और जिस पार्सर को यूज कर रहे हैं उस पार्सर का ग्रामर होता है। इस जगह पे हम लोग इनपुट स्ट्रिंग रखते हैं और इसके हेल्प से हम लोग पार्स ट्री तैयार करते हैं। यदि हमारा स्ट्रिंग उस ग्रामर के लैंग्वेज में है तो पार्स ट्री बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये हमारा कुछ कंपोनेंट्स है। इस कंपोनेंट्स में जो पार्सिंग टेबल हम लोग बनाएंगे, इस पार्सिंग टेबल को, ये पार्सिंग टेबल ही हमारे हर एक पार्सर्स में अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और यहाँ पर हमारा ग्रामर उस पार्सर या इस पार्सर के अकॉर्डिंग हम इस पार्सिंग टेबल को तैयार करते हैं। हमारा बॉटम अप पार्सर शिफ्ट एंड रिड्यूस बेस्ड होते हैं, तो इस शिफ्ट एंड रिड्यूस बेस्ड में कब हमें शिफ्ट करना है और कब रिड्यूस करना है। जो भी हमारे पास पार्सिंग टेबल्स होते हैं, उस पार्सिंग टेबल में थ्री एंट्रीज होते हैं, स्टेट जो हम कैनोनिकल कलेक्शन से बनाएंगे, दूसरा पार्ट होता है एक्शन पार्ट, और तीसरा हमारे पास होता है गो टू पार्ट। इस तीन कॉलम में हम लोग काम करते हैं। इस स्टेट में कुछ स्टेट्स हमारे फाइनल स्टेट्स होते हैं, कुछ नॉन फाइनल स्टेट्स होते हैं। तो जितने भी हमारे नॉन फाइनल स्टेट्स होंगे इस टेबल में, पार्सिंग टेबल में, इस पार्सिंग टेबल के रोज में हम दो पार्ट बनाएंगे, नॉन फाइनल स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट्स में हम लोग शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑलवेज शिफ्ट रखते हैं, और फाइनल आइटम के केस में हम लोग रिड्यूस करते हैं। एक्शन पार्ट में सारे टर्मिनल्स होते हैं, एक्शन पार्ट में हमारे टर्मिनल्स होते हैं, गो टू पार्ट में हम लोग ऑलवेज नॉन टर्मिनल को यूज करते हैं, इस जगह पे नॉन टर्मिनल को यूज करते हैं। तो जब भी हमारा शिफ्ट होगा वो एक्शन और गो टू बोथ प्लेसेस पर एंट्री करेंगे, जबकि जब रिड्यूस करना होगा तो उस रिड्यूस में हम फाइनल स्टेट के एक्शन पार्ट में केवल रिड्यूस को यूज करेंगे। इस जगह पे हमारे पास LR0 आइटम्स है, इस LR0 आइटम में जब भी रिड्यूस होगा, इस एक्शन पार्ट के अंदर जितने भी टर्मिनल्स हैं सारे टर्मिनल्स पर हम उस रिड्यूस को लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है LR0 आइटम पुट रिड्यूस इन कंप्लीट रो अंडर एक्शन पार्ट और टर्मिनल्स सिंबल्स, व्हाइल इन केस ऑफ SLR1 put reduce in follow of left non-terminal under the action part. जबकि SLR1 parser के केस में जिस production को भी हम reduce करते हैं, यदि हम A to B A को reduce कर रहे हैं तो इसके left part में जो non-terminals हैं, यानी जिसका ये derivation है,
उस नॉन टर्मिनल के फॉलो सिंबल पर ही केवल हम रिड्यूस लगाएंगे। और LALR1 और CLR1 में रिड्यूस लगाने का तरीका अलग होता है। हमें जब भी LALR1 और CLR1 में रिड्यूस लगाना होगा, हमें उसके लिए पहले से लुक अहेड फाइंड आउट करना होगा। यदि लुक अहेड हमारे पास अवेलेबल है, तो लुक अहेड में जो भी सिंबल एक्शन पार्ट में है, सिर्फ उसी के नीचे हम रिड्यूस लगाएंगे। तो ये हमारा किस तरीके से रिड्यूस को हम अपने पार्सिंग टेबल में यूज करते हैं और किस तरीके से हम शिफ्ट को अपने पार्सिंग टेबल में यूज करते हैं, ये हमने बताया। नॉन फाइनल स्टेट्स में शिफ्टिंग होगी और एक्शन पार्ट में शिफ्टिंग होगी और इधर गो टू भी में भी एंट्रीज आएंगे और फाइनल स्टेट्स जितने भी होंगे उसमें हम रिड्यूस करेंगे। इस फाइनल स्टेट में रिड्यूस करने का तरीका डिफरेंट पार्सल्स में अलग अलग होते हैं। तो जितने भी हमारे पास पार्सल्स हैं LR0 में, हम इस नॉन एक्शन पार्ट के सारे टर्मिनल्स में हम रिड्यूस लगाते हैं। SLR1 के केस में सिर्फ फॉलो सिंबल के अंदर लगाते हैं और LALR1 और CLR1 में सिर्फ लुक अहेड सिंबल के नीचे रिड्यूस लगाते हैं। ये हमारा डिफरेंस था। इसी डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंट पार्सल्स बनते हैं। यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है, LR0 ग्रामर लेस देन SLR1 ग्रामर लेस देन LALR1 ग्रामर एंड CLR1। हमारा LR0 ग्रामर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जबकि उससे ज़्यादा इफेक्टिव मेरा SLR1 ग्रामर है, इससे भी अधिक इफेक्टिव मेरा LLR1 है और CLR1 सबसे बेस्ट पार्सर माना जाता है हमारे बॉटम अप पार्सर्स में। इसलिए हमने इस सारे ग्रामर्स को इस सीक्वेंस में दिखाया है। जब भी हमें पार्सिंग करनी होती है तो हम अपना पार्सिंग टेबल बनाते हैं और उस ग्रामर को हम इस प्लेस पे रखेंगे, प्लस जितने भी शिफ्ट एंड पुश ऑपरेशंस हैं इसको दिखाने के लिए हम यहाँ स्टैक यूज करते हैं और जो हमारा गिवन स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को यहाँ पर रखते हैं। यदि हमारा ये गिवन स्ट्रिंग उस ग्रामर लैंग्वेज का मेंबर है तो उसका पार्सिटी बनेगा और यदि नहीं है तो पार्सिटी नहीं बन पाएगा। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है जिसको हम हर एक पार्सर में यूज करते हैं। इस जगह पर सिर्फ दो प्लेसेस पर चेंज होते हैं, हमारा CLR पार्सर का ग्रामर और ये जो ग्रामर है इस ग्रामर या डिफरेंट पार्सर्स का ग्रामर यहाँ पे रखेंगे और उस पार्सर से जो पार्सिंग टेबल बनेगा वो हम यहाँ पर रखते हैं। उस ग्रामर के पार्सिंग टेबल को बनाने का या डिफरेंट पार्सर्स के पार्सिंग टेबल को बनाने का तरीका सिर्फ डिफरेंट होता है, अदर प्रोसेस सब में सेम होंगे। CLR पार्सर बनाने के लिए हमें किस स्टेप्स को यूज करना होगा, ये हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। अदर पार्सर्स में भी यही 6 स्टेप्स थे। यहाँ सबसे पहले हमें अपने गिवन ग्रामर को ऑगमेंट ग्रामर में कन्वर्ट करना होगा और दूसरे स्टेप में उस LR1 आइटम्स का कैनोनिकल कलेक्शन बनाना होता है। जितने भी हमारे प्रोडक्शंस दिए गए हैं उस प्रोडक्शंस की नंबरिंग करनी होगी। फोर्थ स्टेप में हम उस CLR1 पार्सिंग टेबल को तैयार करेंगे और फिफ्थ स्टेप में जो भी इनपुट स्ट्रिंग दिए गए हैं उस इनपुट स्ट्रिंग के पार्सिंग करेंगे और लास्टली हम पार्सट्री को डेवलप करेंगे। यहाँ हमने एक प्रोडक्शन ले रखा है और ये प्रोडक्शंस वही प्रोडक्शंस है जो हमने LR0 SLR1 में यूज किया था, ताकि सबका कंसेप्ट सेम, ताकि आप को समझने में आसानी हो। फर्स्ट स्टेप्स हम लोग इसका ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे। प्रीवियस वीडियोस में जैसा कि हम लोग देखे थे कैसे ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं, और ऑगमेंटेड ग्रामर बनाने के लिए जो भी हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है उस प्रोडक्शन के स्टार्टिंग सिंबल्स को, इस प्रोडक्शन में स्टार्टिंग सिंबल हमारा ई है तो ई टू बी एंड बी दिया हुआ है, इसलिए इसमें एक और न्यू प्रोडक्शन को हम ऐड करते हैं और उस न्यू प्रोडक्शंस का नेमिंग हम जनरली स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल के सिंबल पर डैश लगा करके बनाते हैं, ई डैश टू, और ये जो हमारा नॉन टर्मिनल है स्टार्टिंग सिंबल इसको इसके राइट साइड में लगा देंगे। ये हमारा
न्यू प्रोडक्शन इसके साथ ऐड कर दे और अदर जो प्रोडक्शन हमारे दिए हुए हैं इनको हम रख दे, तो ये कंप्लीट सेट हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर ऑफ द गिवन ग्रामर कहलाएगा। ये कंप्लीट सेट हमारा गिवन ग्रामर का ऑगमेंटेड ग्रामर कहलाएगा। इस ग्रामर के ऑगमेंटेड ग्रामर को हमने स्टेप वन में बना लिया और हर ऑगमेंटेड ग्रामर का जो प्रोडक्शन होगा वो LR0 आइटम बेस्ड होंगे, तो इसका LR0 आइटम बेस्ड डॉट ई डॉलर। डॉलर हमने इसलिए लगाया कि हर स्ट्रिंग के एंड में डॉलर्स होते हैं। यहाँ पर डॉट बी और बी डॉलर लगाया है, डॉट सी बी, डॉट डी सी ऑब्लिक डी लगाया है। ये डॉलर यहाँ हमारा लुक अहेड है। इस लुक अहेड को कैसे फाइंड आउट करते हैं थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। LR0 आइटम्स में हमें फर्स्ट एंड फॉलो की जरूरत नहीं होती है, SLR1 में हमें फॉलो की जरूरत थी, और जो हमारा ये CLR1 है इसमें हमें फर्स्ट की जरूरत होगी। यदि किसी तरह से फर्स्ट एंड फॉलो में आपको दिक्कत है तो मेरे फर्स्ट एंड फॉलो वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ हम इसको बना करके देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ बी हमारा सी एंड डी होगा, क्योंकि सी और डी बोथ हमारे टर्मिनल्स हैं और बी हमारा नॉन टर्मिनल था, इसलिए फर्स्ट ऑफ ई फर्स्ट ऑफ बी के बराबर होगा। और फर्स्ट ऑफ बी से हमें दो टर्मिनल मिलते हैं, जब भी नॉन टर्मिनल होगा हम आगे देखेंगे और यदि टर्मिनल मिल गया तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो ये हमारे ई के फर्स्ट कहलाएंगे। और बी का फर्स्ट निकालना बहुत ही आसान है, इसके दोनों प्रोडक्शन से हम फर्स्ट प्रोडक्शन से हमें टर्मिनल सी मिल गया और सेकंड प्रोडक्शन से हमें डी मिल गया। तो फर्स्ट ऑफ ई सी डी है और फर्स्ट ऑफ बी भी हमारा सी डी है। आगे हम इस फर्स्ट को यूज करेंगे। अब हम लोग लुक अहेड फाइंड आउट करना सीखेंगे। इस जगह पे फर्स्ट प्रोडक्शन का लुक अहेड ऑलवेज डॉलर होता है और उसके बाद के सारे अदर नॉन टर्मिनल्स हैं उनके लुक अहेड फाइंड आउट करना होगा। इसके लुक अहेड फाइंड आउट करने के लिए हम अपने ओरिजिनल प्रोडक्शंस को देखते हैं। ओरिजिनल प्रोडक्शन हमारा E-2 डॉट ई कॉमा डॉलर है। इस प्रोडक्शन को हम कुछ दूसरे ही फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। E-डॉट के पहले कोई सिंबल नहीं है तो हम यहाँ नल यूज कर सकते हैं, डॉट ई, और ई के बाद भी हमारे पास कोई कॉमा के पहले कोई सिंबल नहीं है तो हम यहाँ पे नल यूज कर सकते हैं और इधर हमारे पास डॉलर होगा। यहाँ हम देख रहे हैं E-2 ये मेरा इस प्रोडक्शन का दूसरा फॉर्म है और इस फॉर्म को हम एक प्रोडक्शन से कंपेयर करते हैं। वो प्रोडक्शन है A2 अल्फा, दिस वन इज अल्फा डॉट कैपिटल बी देन बीटा कॉमा स्मॉल ए। इसको यदि हम कंपेयर करें तो ये मेरा नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, ये अल्फा की जगह पे हमारे पास दिए हुए प्रोडक्शन में नल है और बी की जगह पे हमारे पास ई है, बीटा की जगह पे नल है और ए की जगह पे हमारा डॉलर है। इससे हम बीटा और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस प्रोडक्शन को यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू हमारा नल मिला, बी की वैल्यू हमारा ई है और बीटा की वैल्यू अगेन हमें नल मिल रहा है और इस ए की वैल्यू हमारे पास डॉलर मिल रहा है। सॉरी, हमें इस दो सिंबल से काम नहीं है, हमें सिर्फ इस दो सिंबल से काम है। हम इससे बीटा और ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और इस बीटा और ए का हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑफ बीटा ए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बीटा है वो नल है तो नल का हम फर्स्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे। इसको इस जगह पर रखने से कोई काम नहीं होगा। तो बीटा के बाद जो हमारे पास सिंबल है वो मेरा ए है और ए के जगह पे हमारा दिया हुआ डॉलर है, इसलिए इस जगह हम निकालेंगे फर्स्ट ऑफ डॉलर। और फर्स्ट ऑफ डॉलर, चूंकि डॉलर मेरा टर्मिनल है इसलिए इसका फर्स्ट हमारा डॉलर। ये डॉलर
जिसका हम क्लोजर निकाल रहे हैं, हम ई का क्लोजर निकालेंगे, इसलिए इस ई का जिसका हम क्लोजर निकालेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं डॉट के बाद जो सिंबल होगा प्रोडक्शन में उसका हम फॉलो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ई डैश का फॉलो पहले से हमें मालूम है जो डॉलर होता है और फिक्स है, हर स्टार्टिंग का लुक अहेड ऑलवेज डॉलर होगा। इस प्रोडक्शंस के डॉट के बाद फर्स्ट जो हमारा नॉन टर्मिनल होगा उसका हम फॉलो लुक अहेड फाइंड आउट करते हैं। डॉट के बाद जो हमारा फर्स्ट सिंबल होगा उसका हम लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे, और उसका लुक अहेड फाइंड आउट करने के लिए हम दिए हुए प्रोडक्शन को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और इस फॉर्मेट को हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्मेट से। यहाँ पर हम बीटा और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बीटा और ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर उसका हम फर्स्ट निकालेंगे। यदि बीटा मेरा नल हो तो डायरेक्टली हम फर्स्ट का डॉलर निकालेंगे, यदि बीटा मेरा नल नहीं है तो हम उसका फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। आगे के एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यदि हमारा बीटा की जगह पे नल नहीं है तो किस तरीके से उसका फर्स्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा नल है इसलिए हम सिर्फ ए का फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, और ए का वैल्यू दिया हुआ है डॉलर, इसलिए फर्स्ट ऑफ डॉलर होगा, और इस डॉलर का चूंकि टर्मिनल है इसलिए इस डॉलर का फर्स्ट डॉलर होगा। तो ये डॉलर हमारा इस ई का लुक अहेड माना जाएगा, और इस लुक अहेड जहां भी यूज किया गया है उस जगह पे हम डॉलर लगा देंगे। यही वजह है कि ई का लुक अहेड हमने यहाँ पे डॉलर दिया है। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यदि हम आगे देखें तो हमारा सेकंड जो प्रोडक्शन है वो है ई टू डॉट बी एंड बी कॉमा डॉलर। अभी जस्ट हमने देखा कि इस ई का लुक अहेड क्या होगा, और अब हम इससे क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। डॉट के बाद जो सिंबल है उसका क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, तो हमें बी का लुक अहेड फाइंड आउट करना होगा। इस बी के लुक अहेड को फाइंड आउट करने के लिए हम जो अपना एक कॉमन प्रोडक्शन यूज करते हैं उस प्रोडक्शन को यदि यूज करें तो ए अल्फा डॉट बी बीटा कॉमा ए लिखेंगे, और इस जगह पे अल्फा की वैल्यू डॉट के पहले कोई सिंबल नहीं है तो अल्फा की वैल्यू नल होगा, और बी की वैल्यू यहाँ पर बी ही है, इस बीटा की वैल्यू हमारे पास बी दिया हुआ है, और ए की जगह पे हमारा डॉलर है। तो जैसा अभी हम प्रीवियस प्रोडक्शंस में फर्स्ट फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना होगा फर्स्ट ऑफ बीटा ए, फर्स्ट ऑफ बीटा ए, क्योंकि बीटा हमारा बी है इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ बी ए। और बी का यदि हम निकाले तो फर्स्ट ऑफ बी ए से, क्योंकि बी हमारा नॉन टर्मिनल है तो बी का हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ बी। और फर्स्ट ऑफ बी जैसा कि हम यहाँ पर पहले ही निकाल रखे हैं, फर्स्ट ऑफ बी हमारा सिंबल सी और डी है, तो इसके दो लुक अहेड होंगे सी एंड डी, इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा है लुक अहेड सी एंड डी। यहाँ हमने दोनों तरीके देख लिए, यदि बीटा का वैल्यू हमारा नल हो तब लुक अहेड कैसे निकालते हैं, और बीटा का वैल्यू यदि कोई नॉन टर्मिनल हो तब उसका फर्स्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस दो तरीके से हम किसी भी सिंबल का लुक अहेड फाइंड आउट कर सकते हैं, और यही चीज हम यहाँ पर दिखा रखे हैं फर्स्ट प्रोडक्शन का। ये फर्स्ट प्रोडक्शन ई डैश डॉट ई, ये डॉलर हमारा लुक अहेड होगा ई डैश का, और इसको हम फिक्स रखते हैं, और इसके बाद चूंकि हम ई को डिराइव कर रहे हैं तो ई का लुक अहेड फाइंड आउट करने के लिए हमने उस प्रोडक्शन का डेरिवेशन कर रहे हैं तो डॉट के बाद ई का हम लुक अहेड फाइंड आउट कर रहे हैं और इसी को डिराइव करते हैं। तो ई का यदि हम LR0 आइटम बनाएंगे तो ये बनेगा, और इस ई का लुक अहेड फाइंड आउट करने के लिए
इस प्रोडक्शन को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, और इस फॉर्मेट में लिखने पर हमें बीटा की वैल्यू नल और ए की वैल्यू डॉलर मिल रही है। तो इससे हम फर्स्ट ऑफ बीटा ए निकालेंगे, बी नल है इसलिए फर्स्ट ऑफ ए होगा, और ए का सिंबल हमारा डॉलर है जो टर्मिनल है, इस वजह से हमारे ई का लुक अहेड डॉलर होगा, और ये डॉलर हम ई के प्रोडक्शन में लगा देंगे। अब इसी रूल को, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसके बाद के प्रोडक्शंस का लुक अहेड फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रोडक्शंस था ई टू डॉट बी एंड बी, और इसका लुक अहेड मिला मेरे को डॉलर। यदि इस प्रोडक्शंस को हम अपने इस सैंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो डॉट के पहले कोई सिंबल नहीं इसलिए नल, और बी के बाद हमारा एक सिंबल बी है तो यहाँ पर हमने बी लिखा, और ये मेरा दिया हुआ सैंपल है। इसको कंपेयर करें तो अल्फा की वैल्यू नल, बी की वैल्यू बी, और बीटा की वैल्यू भी हमारा बी है, और ए की वैल्यू डॉलर है। जैसा हम पहले निकाले बीटा ए का हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ बीटा ए, तो यहाँ पर चूंकि बीटा हमारा नल नहीं है, नॉन टर्मिनल है, तो उस नॉन टर्मिनल बी को हम यहाँ रखेंगे। और अब ये चूंकि नल नॉन टर्मिनल है इसलिए इस नॉन टर्मिनल का हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, और बी का फर्स्ट हमारे पास पहले से ही दिया हुआ है, सी और डी होगा। तो ये सी और डी हमारे इस बी का लुक अहेड माना जाएगा, और ये सी डी हम इसके प्रोडक्शंस में लगा देंगे जैसा हमने ऊपर दिखाया था। बी के आगे हम सी और डी लगा देंगे, ये लुक अहेड बी के हर एक प्रोडक्शन का लुक अहेड होगा। इस तरह से हम लोग लुक अहेड फाइंड आउट करते हैं, और अब इसी को यूज करते हुए आगे का काम हम लोग करेंगे। यहाँ हमारे पास प्रोडक्शंस दिए हुए हैं, और इस प्रोडक्शंस का हम सबसे पहले एल आर जीरो आइटम फाइंड आउट करते हैं, और एल आर जीरो आइटम फाइंड आउट करने के बाद हम हर एक नॉन टर्मिनल का लुक अहेड फाइंड आउट करते हैं। ये लुक अहेड इसका हमने किस तरीके से फाइंड आउट किया ये अभी जस्ट हमने दिखाया, और इस पूरे को यदि हम यहाँ पे रख ले तो ये मेरा इसका क्लोजर सेट होगा, और इस क्लोजर सेट का एक स्टेट नंबर देंगे जिसको हमने यहाँ पे आई जीरो से दिखाया है। इस जगह पे हमारे पास फोर डॉट्स हैं, 1 2 3 4, इसलिए इससे आउट गोइंग एरोज हमारे पास फोर होंगे, दो नॉन टर्मिनल पर और दो टर्मिनल पर। सबसे पहला जो हमारा डॉट है वो कैपिटल ई के बाद है, तो हम इसको यदि बनाए तो ई का गो टू यदि हम निकालें तो डॉट हमारा एक राइट साइड मूव होगा, और ई डैश टू ई डॉट लिखेंगे, और इसका जो भी लुक अहेड है वही लुक अहेड यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि डॉट के बाद कोई सिंबल हमारे पास नहीं है इसलिए ये मेरा फाइनल आइटम होगा। इसी तरह से दूसरे नॉन टर्मिनल का देखे तो हमारा बी है, और ये सेकंड प्रोडक्शंस का है, इसका गो टू फाइंड आउट करें आई जीरो पर, तो हमारा हमारे पास आएगा ई टू बी डॉट बी। हर शिफ्ट में हम इस हर गो में हम उसके डॉट को, उस प्रोडक्शन के डॉट को एक राइट साइड मूव करेंगे, तो ये हमारा होगा ई टू बी डॉट बी डॉलर। अब यहाँ पर हम बी को डिराइव करेंगे, तो अब इस बी के डेरिवेशन से हमारा यह इस ई का जो लुक अहेड है वही लुक अहेड यहाँ भी होगा, जिसका हम गो टू निकालते हैं उसका लुक अहेड सेम होता है, इसलिए इस डॉलर को हम यहाँ पे लगा दिए। और अब जो हमारे पास प्रोडक्शन आ रहे हैं उस प्रोडक्शन में बी डॉट बी कॉमा डॉलर है, इसको हम अपने उस प्रीवियस फॉर्मेट पर ले जाएं, तो ए टू एक ए टू अल्फा डॉट बी बीटा कॉमा ए होगा। इस जगह पे अल्फा की वैल्यू कैपिटल बी है, बी की वैल्यू हमारा कैपिटल बी है, और इस बीटा की जगह पे बी डॉट के बाद जो डॉट के बाद जो सिंबल है उसके बाद कोई सिंबल नहीं इसलिए इस बीटा की वैल्यू हमारा नल होगा,
और ए की वैल्यू हमारा डॉलर होगा। इसके हेल्प से यदि हम फर्स्ट फाइंड आउट करें तो फर्स्ट ऑफ बीटा ए लिखेंगे, और इस फर्स्ट ऑफ बीटा में बीटा की वैल्यू नल है, इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ए निकालेंगे, और फर्स्ट ऑफ ए हमारा ए की वैल्यू डॉलर है, इसलिए इसका लुक अहेड डॉलर होगा। और ये डॉलर हम अपने इस डेरिवेशन में लिखेंगे बी टू डॉट सी बी। इस बी का डेरिवेशन निकाले तो बी का ओरिजिनल फॉर्म था बी टू सी बी पब्लिक डी, और इसका LR0 आइटम बनाएंगे तो बी टू डॉट सी बी पब्लिक डॉट डी होगा। ये हमने यहाँ लगा दिया, और इस डेरिवेशन से हमने इसका लुक अहेड फाइंड आउट किया। लुक अहेड बी का डॉलर है, तो इस दो बोथ प्रोडक्शंस का लुक अहेड डॉलर होगा, ये हमने यहाँ पर लगा दिया। इस तरह से हम इसके सेकेंड नॉन टर्मिनल का क्लोजर फाइंड आउट किया, और अब तीसरे सिंबल पे चलेंगे तो हमारा बी के जो दिया हुआ प्रोडक्शन है वो दिया हुआ है बी टू सी बी डॉट सी बी। तो डॉट को हम एक आगे बढ़ाएंगे, डॉट को एक हम आगे बढ़ाएं तो सी डॉट बी होगा, और सी डॉट बी का जो बी का लुक अहेड है उस लुक अहेड को हम इसके बाद लगा देंगे। अब इस सी का गो टू से हम आगे बढ़े तो बी टू सी डॉट बी, और इसका लुक अहेड सी डी लगा हुआ है जो यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रोडक्शन के हेल्प से हमें अब निकालना होगा बी का लुक अहेड। तो इसके पहले जो हमारा लुक अहेड था वो डिफरेंट हो सकता है यहाँ के लुक अहेड से। यहाँ चेक करते हैं, इसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करें तो बी बीटा की जगह पे डॉट बी के बाद हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, तो बीटा की वैल्यू नल होगी, और ए की जगह पे हमारा सी और डी है, ये दो टर्मिनल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि फर्स्ट ऑफ हम बीटा ए निकाले, फर्स्ट ऑफ बीटा ए को यदि हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास होगा फर्स्ट ऑफ बीटा, चूंकि नल है तो हम फर्स्ट ए का फाइंड आउट करेंगे, और ए के फर्स्ट को यदि आप फाइंड आउट करें तो आपको मिलेगा सी और डी, सी एंड डी, और ये सी एंड डी इस बी का हमारा लुक अहेड होगा जो पहले से मैच किया। कोई जरूरी नहीं कि इसका पहले के बी का जो लुक अहेड है वही हो, इसलिए एग्जाम में हमेशा आप उसका लुक अहेड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, कभी कभी ये लुक अहेड चेंज हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारे पास ऊपर में बी का लुक अहेड ऑलरेडी अवेलेबल था, फिर भी हम यहाँ पर अलग से लुक अहेड फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड प्रोडक्शन बी का डॉट डी। इस सेकेंड प्रोडक्शन को यदि हम यहाँ पर लिखें तो बी टू डॉट डी है कॉमा, और इसका लुक अहेड सी डी है। इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो इसके डी का गो टू होगा बी टू डी डॉट कॉमा, और इसके बाद का लुक अहेड। तो इसका लुक अहेड चूंकि हमारे पास ये फाइनल आइटम है तो जो दिया हुआ है वही मेरा लुक अहेड होगा, इस वजह से हमने ये लिखा, और इसकी स्टेट नंबरिंग हमने I4 की। ये मेरा I0 स्टेट है, I1 स्टेट मिला, I2 स्टेट मिला, I3 स्टेट मिला, और I4 स्टेट मिला। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट स्टेट I0 के सारे गो टू हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इस सारे गो टूज में फोर गो टूज हमने फाइंड आउट किए जिसमें दो फाइनल आइटम है, तो इन दोनों को हम स्किप करेंगे, और इसके बाद जो दो हमारे नॉन फाइनल आइटम्स हैं उनके हर एक क्लोजर को चेक करेंगे। इस जगह पे हमारे पास थ्री डॉट्स दिए हुए हैं तो थ्री आउटगोइंग एरोज होंगे, और इसमें एक नॉन टर्मिनल है, दो टर्मिनल है। तो इस फर्स्ट प्रोडक्शन से यदि हम आगे बढ़े तो ई का सबसे फर्स्ट प्रोडक्शन ई टू बी डॉट बी है,
इस डॉट को एक आगे बढ़ा देंगे तो ई टू बी डबल बी डॉट और इसका जो लुक अहेड है वो लगा देंगे। डॉट के बाद कोई भी सिंबल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम होगा और हम यहीं पर रुक जाएंगे। ये मेरा स्टेट नंबर 5 कहलाएगा जो यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्रोडक्शंस है इसमें 3 प्रोडक्शंस है यानी 3 डॉट्स हैं। तो इस बी के फर्स्ट प्रोडक्शन को देखें तो इस बी के फर्स्ट प्रोडक्शन में बी टू डॉट सी बी दिया हुआ है और इस डॉट सी बी का जो लुक अहेड है वो मेरा डॉलर है। इसको यदि हम अपने पुराने फॉर्मेट से कंपेयर करें तो इस जगह पर अल्फा की जगह पे नल है, बी की जगह पे स्मॉल सी है और बीटा की जगह पे हमारा बी है, बीटा की जगह पे हमारा सॉरी हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं तो ये हमने प्रोडक्शंस को आगे बढ़ाया तो हमें मिला बी टू बी टू सी डॉट बी कॉमा डॉलर। जब हम इसके सी का गो टू निकालते हैं तो हमारा जो ये प्रोडक्शन दिया हुआ है इस प्रोडक्शन में बी डॉट सी बी में डॉट को एक आगे मूव करेंगे तो हमें मिलेगा बी बी टू सी डॉट बी एंड इसका लुक अहेड है हमारा डॉलर। और इसको यदि हम अपने फॉर्मेट में लाएं तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू स्मॉल सी है, बी का वैल्यू हमारा बी दिया हुआ है और बी के बाद जो कोई सिंबल नहीं है तो बीटा का वैल्यू नल होगा और ए का वैल्यू हमारा डॉलर होगा। इससे यदि हम फर्स्ट ऑफ बीटा ए निकालें तो इसका लुक अहेड हमें डॉलर मिलेगा जैसा कि पहले भी देख चुके हैं। तो इस बी का जो लुक अहेड होगा वो मेरा डॉलर होगा और इस डॉलर ये डॉलर हमारा दोनों प्रोडक्शन के लिए होगा। इसी तरह से इसके थर्ड डॉट पर हम लोग देखें तो बी डॉट डी है और बी टू डॉट डी है, इसको एक आगे बढ़ा दे तो डी डॉट मिलेगा और इस डी डॉट का हमारे पास लुक अहेड जो यहाँ दिया हुआ है वही इसका लुक अहेड होगा। डॉट के बाद कोई भी सिंबल नहीं है तो ये मेरा फाइनल आइटम माना जाएगा और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये मेरा स्टेट नंबर 7 होगा। हमने I2 के सारे गो टूज फाइंड आउट कर लिए, अब इस सेकेंड I3 के गो टूज को फाइंड आउट करेंगे। I3 के गो टूज को फाइंड आउट करने के लिए इसके हर एक प्रोडक्शंस को हम चेक करेंगे। हम जिस रूल को यूज कर रहे हैं उसका रेफरेंस हम यहाँ पे दे रखे हैं, कभी भी जरूरत हो तो आप इस रेफरेंस को यूज कर सकते हैं जो कि हम स्टार्टिंग में बताए थे। हम इसी रेफरेंस को माइंड में रख करके काम कर रहे हैं, आप भी इसको याद कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो है बी टू सी डॉट बी और इसका लुक अहेड सी डी दिया हुआ है। यहाँ पर बी टू सी डॉट बी और लुक अहेड सी डी है। यदि इस डॉट को एक आगे बढ़ाए तो सी कैपिटल बी डॉट होगा और ये मेरा फाइनल आइटम है, इसलिए इसके किसी और लुक अहेड की जरूरत नहीं। जो लुक अहेड इसका है वही इसका भी लुक अहेड होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्शन है बी टू डॉट सी बी, इसको आगे बढ़ाएं तो हम यहाँ पर देखेंगे बी टू सी डॉट बी और इसका लुक अहेड दिया हुआ है, इसका लुक अहेड दिया हुआ है सी बाई डी। इस जगह पर बीटा का वैल्यू डॉट बी के बाद कोई सिंबल नहीं है तो बीटा की वैल्यू नल और ए की वैल्यू हमारा सी डी है। तो इस सी डी का हम यदि फर्स्ट निकाले तो हमें सी और डी मिलेगा। ये मेरा लुक अहेड इसके डेरिवेशन का होगा, इसलिए इसका हमने लुक अहेड सॉरी इसका लुक अहेड ये सी डी होगा। अब इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास से मिलेगा इस प्रोडक्शन से सी पर, इस प्रोडक्शन के सी पर आगे यदि हम बढ़ाएं तो हमारे पास मिल रहा है बी टू बी टू सी डॉट बी कॉमा सी डी और डॉट के बाद बी है तो बी का हम क्लोजर फाइंड आउट करें तो बी टू डॉट सी बी फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्शन डॉट डी होगा और इसका लुक अहेड अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया सी और डी होगा। तो इसके कॉमा में हम सी और डी लिख देंगे।
ये स्टेट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और वो खुद है, इसलिए हम यहाँ पर सी पर इसका एक लूप लगा देंगे। यदि यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ मैच नहीं होता या एक भी चीज़ मैच नहीं होता तो हम इसको किसी दूसरे स्टेट पर भेजते, लेकिन इसका गो टू फाइंड आउट, सी का गो टू फाइंड आउट करने पर हमें सेम सेट मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम अलग से नहीं बनाकर यहाँ पर हम लूप लगा देंगे। इसी तरह से यदि हम इसके डी का गो टू फाइंड आउट करें तो इस डी के प्रोडक्शंस को लिखने पर हमें मिलेगा B2 डॉट को हम एक राइट साइड मूव करेंगे डी डॉट, और इसका इसका लुक अहेड सी डी होगा। अब यदि हम अपने फॉर्मेट से फाइंड आउट करें जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डॉट के बाद हमारा कोई सिंबल नहीं है तो बी का वैल्यू भी हमारा नल होगा और बीटा का वैल्यू भी नल होगा, लेकिन ए का वैल्यू सी डी होगा। और फर्स्ट ऑफ बीटा निकालें तो फर्स्ट ऑफ बीटा में फर्स्ट ऑफ ए होगा और फर्स्ट ऑफ ए का हमारा लुक अहेड सी डी होगा। तो इस लुक अहेड को फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो इसका प्रोडक्शन आएगा वो ये, और ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है पहले से, इसलिए इससे हम डी के गो टू पर अलग से स्टेट नहीं बनाकर हम इसी स्टेट पर इसको सेंड कर देंगे। हमने अभी तक I0, I1, I2, I5, I7, I3, I4 का काम फिनिश कर लिया। अब इस जगह पे एक और हमारे पास बच गया I6। इस I6 पर 3 डॉट हैं और इस 3 डॉट के हेल्प से हम इसके सारे गो टूज को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्शन को देखें तो BC.B. को एक आगे मूव किया तो ये मेरा फाइनल आइटम हो गया, इसलिए आगे इसका कोई गो टू नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्शन यदि देखें तो B2.CB है, यदि इसका हम आगे डेरिवेशन करें, गो टू फाइंड आउट करें इसके सी पर, तो हमें अगेन सेम सेट मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं जो रूल बताया हमने, तो यही सेट मिलेगा, इसलिए हम इस पर इसका एक लूप लगा दिया। और जब हम डी का फाइंड आउट करेंगे तो इससे हमें ये प्रोडक्ट ये गो टू मिलेगा, और ये गो टू सेम है इसलिए अलग से नहीं बनाकर हम इसको इस पर सेंड कर दिए। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे सारे कैनोनिकल कलेक्शन बना लिए, और ये सारे कलेक्शन हमारे LR1 आइटम्स के हैं। LR1 आइटम्स में हमारे पास लुक अहेड LR0 आइटम प्लस लुक अहेड होते हैं। हर एक प्रोडक्शन में हम LR0 आइटम और लुक अहेड को रखा है, तो ये मेरा कहलाएगा कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स। और यही कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम हमारे LALR1 में भी यूज होगा, प्लस उसमें कुछ चेंज करेंगे, वो हम जब LALR1 पार्सर देखेंगे वहाँ पर बनाएंगे। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 3, इस स्टेप 3 में हम दिए हुए ओरिजिनल प्रोडक्शंस की नंबरिंग करेंगे, और ये नंबरिंग 0, 1, 2, 3, चूंकि ये नंबर हम रिडक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसलिए हम इस जगह पे R0, R1, R2, R3 को यूज़ कर दिया। 3 हमारे ओरिजिनल प्रोडक्शंस हैं और 1 मेरा लॉजिकल प्रोडक्शन है। जो भी हमने ऊपर देखा उसी का यहाँ पे हम कैनोनिकल कलेक्शन दिखा रहे हैं। इस कैनोनिकल कलेक्शन में इस पार्सिंग टेबल को बनाने के लिए हमें इस कैनोनिकल कलेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, हमने यहाँ पे रख लिया, और जो प्रोडक्शन नंबर दिए हैं वो हम यहाँ पर रख लिए। ये दो चीज़ हम अपने रेफरेंस के लिए रख लिया, क्योंकि हर एक पार्सर्स में हम लोग जानते हैं कि स्टैक यूज़ करते हैं, देन पार्सिंग टेबल यूज़ करते हैं। ये मेरा पार्सिंग टेबल है और इधर मेरा इनपुट स्ट्रिंग होगा, यहाँ मेरा ग्रामर होगा, और इसके हेल्प से हम पार्स ट्री बनाते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम को हमने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर अब इसके हेल्प से हम अपना CLR1 पार्सिंग टेबल बनाएंगे। CLR1 पार्सिंग टेबल बनाने का या जो अदर पार्सिंग टेबल बनाने का तरीका है वो सेम है। सबसे पहले हम कॉलम लेते हैं स्टेट, और इसके बाद दो कॉलम और लेते हैं, एक को कहते हैं एक्शन पार्ट, दूसरे को कहते हैं गो टू पार्ट। स्टेट में हम वो सारे स्टेट्स लिखेंगे जो हमने यहाँ पे कैनोनिकल कलेक्शन में बनाया है, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6,
टू आई नाइन तक हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, इस वजह से हमने आई जीरो टू आई वन सारे को रख लिया। आई वन मेरा स्पेशल फाइनल आइटम है और बाकी जो हमारे आइटम्स हैं जैसे आई फाइव ये हमारा फाइनल आइटम है, आई सेवन हमारा फाइनल आइटम है, आई एट हमारा फाइनल आइटम है और आई नाइन हमारा फाइनल आइटम है। यदि हम रेफरेंस के लिए रखें तो इसको हम फाइनल आइटम कहेंगे, ये भी मेरा फाइनल आइटम है और ये दोनों रो भी मेरा फाइनल आइटम है, बाकी सारे हमारे नॉन फाइनल आइटम है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि जितने भी नॉन फाइनल आइटम होते हैं उनमें हम शिफ्टिंग करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी नॉन फाइनल आइटम्स हैं ये मेरा नॉन फाइनल आइटम्स हैं और अदर भी हमारे पास नॉन फाइनल आइटम्स हैं उसमें शिफ्ट किया है हमने, और जितने भी फाइनल आइटम्स हैं उनमें केवल रिड्यूस है। ये काम हम कैसे करेंगे, ये हम इस कैनोनिकल कलेक्शन से बनाएंगे। सबसे पहले हम अपने सारे स्टेट्स को डिफरेंट रोल्स पर स्टेट कॉलम में रख दिया आई जीरो टू आई नाइन, और जो टर्मिनल्स हैं इसके टर्मिनल्स हैं उस टर्मिनल को हमने एक्शन पार्ट में रख दिया और जितने भी नॉन टर्मिनल है उसको हमने गो टू पार्ट में रख। इतना काम करने के बाद आई जीरो स्टेट पर हम चेक करते हैं सी के गो टू का क्या वैल्यू है। जब आई जीरो पर हमने सी दिया तो ये मेरे आई थ्री पे आया, इसलिए हम यहाँ पर लिखा एस थ्री। सिमिलरली आई जीरो स्टेट पर जब हमने डी दिया तो ये हमारा एस आई फोर मिला और इस आई फोर का हमने शिफ्ट किया एस फोर। आई जीरो पर जब हम कैपिटल ई दिए तो हम आई वन स्टेट में गए और आई वन का यहाँ पे हमने वन लिखा। आई जीरो के बी पर हम आई टू स्टेट पे गए इसलिए हम यहाँ पे बी लिखे। इस तरह से हम हमारे आई जीरो का फोर डिफरेंट वैल्यूज होंगे वो हमने लगा दिए। नेक्स्ट हमारे पास है आई वन। आई वन स्पेशल केस होता है जैसा कि हमने एस एल आर वन में और एल आर जीरो में हमने देखा था, वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि यदि आई वन स्टेट पर डॉलर मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ये यहाँ फिजिकली फाइनल आइटम शो हो रहा है लेकिन इंटरनली ये फाइनल आइटम नहीं होता, इस वजह से हम यहाँ पे फाइनल आइटम के सेट में नहीं रखकर नॉन फाइनल आइटम में रखते हैं। और ये मेरा स्पेशल केस होगा, आई वन पर डॉलर मिले तो हम एक्सेप्ट करते हैं। देन नॉन फाइनल आइटम मेरा आई टू है, इस आई टू के थ्री आउट गोइंग है तो थ्री एंट्रीज हमारे पार्सिंग टेबल में होंगे, वन टर्मिनल के लिए और दो नॉन टर्मिनल के लिए और दो टर्मिनल के लिए। आई टू पर जब हम बी दे रहे हैं, आई टू स्टेट पर जब हम बी दे रहे हैं तो आई फाइव पे हम जा रहे हैं, ये मेरा आई फाइव है, इस आई फाइव पे जा रहे हैं और इस आई फाइव का फाइव हमने लगा दिया। आई टू पर जब हमने सी दिया तो हम इस आई सिक्स पे गए, आई टू पर जब हम सी दिए तो इस आई सिक्स पे गए और इस आई सिक्स पर हमने एस सिक्स को लगा दिया क्योंकि टर्मिनल है, और आई टू पर जब हमने डी दिया तो आई सेवन स्टेट पे गए इसलिए हमने एस सेवन लगा दिया। इसी तरह से आई थ्री पर हम जब चेक करते हैं तो यहाँ थ्री गो टूज हैं इसलिए थ्री इंट्रीज होंगे और इस थ्री इंट्रीज को हमने यहाँ पे दिखाया है। आई थ्री पर जब हम बी पे थे तो हमारा आई थ्री के बी पर हम आई एट स्टेट पे जा रहे हैं, ये मेरा आई एट है, ये आई एट स्टेट को के स्टेट को हमने एट लगा दिया। और आई थ्री पर जब हम सी को दिया तो उसी स्टेट पर रह गए आई थ्री पर, इसलिए इसके नीचे एस थ्री हमने यूज़ किया। और आई थ्री के डी पर हम आई फोर पे जा रहे हैं तो ये मेरा एस फोर हुआ और ये शिफ्टिंग होगी। इस तरह से आई थ्री का काम हमने कर लिया। अब जितने भी एक और भी हमारे पास नॉन फाइनल आइटम्स है और वो है आई सिक्स, दिस वन। इस जगह पे हमारे पास थ्री आउटगोइंग एंट्रीज हैं, थ्री आउटगोइंग की वजह से थ्री एंट्रीज होंगे और वो थ्री एंट्रीज को हम यहाँ पर चेक करते हैं। आई सिक्स पर जब हमने बी दिया, आई सिक्स पर जब हमने बी दिया तो हम आई नाइन स्टेट पे जा रहे हैं, इस नाइन का आई नाइन का नाइन हमने रख लिया। आई सिक्स पर जब हमने सी दिया तो हम उसी स्टेट पे रह गए यानी आई सिक्स पे रह गए, इसलिए एस सिक्स को रखा। और आई सिक्स पर जब हमने डी को दिया शिफ्ट कर गए
इस i7 पर, इसलिए शिफ्ट s7 लिखा। नेक्स्ट काम अब हमारे फाइनल आइटम्स के एंट्रीज पर है। फाइनल आइटम्स के एंट्रीज कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जितने भी फाइनल आइटम्स हैं उसके एक्शन पार्ट के उस टर्मिनल पर हम रिड्यूस करेंगे जो उसका लुक अहेड होगा। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट हमारा जो नॉन टर्मिनल सॉरी फाइनल आइटम्स है वो मेरा i5 है, और i5 का लोकेशन ये है। इस i5 को हम चेक करते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है e2 e2 b एंड b, ये मेरा प्रोडक्शन है, और ये प्रोडक्शन मेरा प्रोडक्शन नंबर r1 है, इसको हम रिडक्शन r1 कहेंगे। और ये r1, ये जो रिडक्शन r1 है इसका लुक अहेड दिया हुआ है डॉलर, तो डॉलर के नीचे सिर्फ हम r1 लगाएंगे। LR0 आइटम के केस में हम इस पूरे पर R1 लगाते थे, SLR1 के केस में जो इस प्रोडक्शन का स्टार्टिंग सिंबल है यानी E, इस लेफ्ट साइड में जो सिंबल हैं उसके फॉलो पर केवल हम रिड्यूस लगाते थे। यहाँ पर हम सिर्फ उसी टर्मिनल पर रिडक्शन करेंगे जो इसका लुक एड है, ये तीनों के बीच डिफरेंस है। और यही काम हम आगे LALR में भी करेंगे, लेकिन वहाँ एक और भी एक्स्ट्रा काम करना होता है जिसको हम LALR में डिटेल्स में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल आइटम है वो मेरा i7 है, i7 ये मेरा i7 है, और इस i7 का प्रोडक्शन है b2 b2 dot d, और इसका लुक अहेड डॉलर b2 d, हमारा रिडक्शन नंबर 3 है, इसलिए इस डॉलर के नीचे हम R3 को लगा देंगे। i7 फाइनल आइटम के डॉलर के नीचे R3 को लगा देंगे। ऐसे ही यदि हम नेक्स्ट फाइनल आइटम को चेक करें तो नेक्स्ट फाइनल आइटम हमारे पास है i8, ये मेरा i8 है, इस i8 के प्रोडक्शन को लिखें तो b2 cb, लुक अहेड मेरा c और d। यहाँ पर हम ये चेक करें तो ये प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है, इसलिए इसको हम रिड्यूस 2 कहेंगे, और ये R2 होगा। ये रिडक्शन सिर्फ लुक अहेड सी और डी पर लगा देंगे, सी और डी पर R2 R2 लगा देंगे। इसी तरह से अब नेक्स्ट जो हमारा फाइनल आइटम है उस नेक्स्ट फाइनल आइटम के i9 हमारा ये फाइनल आइटम है, इसको चेक करें तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है b2 b2 cb, और इसका लुक अहेड डॉलर है, और इसके डॉलर होने की वजह से i9 का ये प्रोडक्शन, चूंकि हमारा प्रोडक्शन नंबर 2 है इसलिए इसको हम रिड्यूस 2 कहेंगे, और ये रिड्यूस 2 सिर्फ डॉलर लुक अहेड पर लगेगा, इस डॉलर पर हमने R2 को लगा दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि B पर दो डिफरेंट लुक अहेड मिल रहे हैं, एक लुक अहेड में हमारा C और D मिला था जिसमें हमने R2 को लगाया था i8 में, i8 में हमारा पास b2 cb, यहाँ भी रिडक्शन 2 है लेकिन इसका लुक अहेड cd था, इसलिए C और D पर हमने R2 लगाया, लेकिन इस जगह पे हमारे पास सिर्फ लुक अहेड डॉलर है इसलिए R2 को हम सिर्फ डॉलर पे लगाए। ये हमारा तरीका होता है पार्सिंग टेबल CLR1 पार्सिंग टेबल बनाने का। इस CLR1 पार्सिंग टेबल के हेल्प से अब हम अपने पार्स ट्री के लिए स्टैक को यूज करेंगे, और उस स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर ये स्टेप नंबर 5 होगा। इस इनपुट स्ट्रिंग हमारा CCDD डॉलर है, इस CCDD डॉलर को हम इनपुट कॉलम में डाल दिया, और पार्सिंग टेबल को यहाँ हम अपने रेफरेंस के लिए रखा है। इस जगह पर हम लोग इस जगह पार्सिंग टेबल को हमने रेफरेंस के लिए रखा है, और सबसे पहले हम अपना पार्सिंग के लिए कॉलम्स लिखेंगे, स्टैक इनपुट और एक्शन। ऑपरेशन कॉलम सिर्फ हम अपने रेफरेंस के लिए रखते हैं, और इसका तरीका होता है जो पहले हमने पढ़ा था वही तरीका यहाँ भी है। सबसे पहला सिंबल हमारे स्टैक का होता है डॉलर, और दूसरा सिंबल होता है उस कैनोनिकल कलेक्शन का स्टार्टिंग स्टेट यानी 0।
ये मेरा स्टैक में होगा, जिसको कि हम यहाँ डॉलर जीरो से दिखा रहे हैं, और इनपुट में जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उस स्ट्रिंग को रखा। अब जीरो स्टेट पर सी के इनपुट को चेक करेंगे पार्सिंग टेबल में। आई जीरो के सी पर हमारा S3 है, इसलिए सी को शिफ्ट किया हमने, और सी को शिफ्ट करने से यहाँ से ये रिमूव होकर यहाँ पे आ गया, और Shift 3 का नंबर 3 है वो हम यहाँ पर लिख दिए C3, जैसा हमने SLR 1 में बनाया था। नेक्स्ट जो हमारे पास इनपुट में CDD बचा हुआ है, और यहाँ पर State 3 है, State 3 के C पर, State 3 के C पर हमारा दिया हुआ S3 है, इसलिए हम C को शिफ्ट करेंगे S3 से। तो C को शिफ्ट करने से हमारे स्टैक में एक और भी सिंबल आ गया, ये 3 भी है, एक और वैल्यू आएगा सी, और ये सी हमारा इस सी का वैल्यू है, और इस पर हम इस Shift 3 का 3 को लगा देंगे, तो स्टैक में हमारे पास ये दो सिंबल आ जाएंगे। यहाँ हमने दिखाया फर्स्ट Shift को हमने रेड C3 से दिखाया है, और सेकेंड Shift को हमने ग्रीन C3 से दिखाया है। अब इस थ्री के स्टेट थ्री के स्टेट थ्री पर डी को हम चेक करेंगे, State 3 के डी पर, State 3 के डी पर S4 है, इस S4 को हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट है इसलिए यहाँ पर शिफ्ट होगा हमारा ये डी, और डी S4 का है, तो हम डी को यहाँ से पॉप करके डी यहाँ रख दिए, और इसका 4 यहाँ लगा दिए। हमारे पास अब सिंगल डी डॉलर बचा हुआ है, और फिर से हम 4 पर डी को चेक करेंगे, State 4 के डी पर, State 4 के डी पर हमारा Reduction Number 3 है, और Reduction Number 3 हमारा B2D है, B2D है, तो डी को हम बी से रिप्लेस करेंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे, और डी चूंकि सिंगल कैरेक्टर है इसलिए हम स्टैक से दो कैरेक्टर को पॉप कर लेंगे। यहाँ से यदि हम दो कैरेक्टर को पॉप करें तो D4 मेरा पॉप होगा, और इसकी जगह पे जो ये B है, जिसको कि हमने यहाँ पे येलो से दिखाया है, वो स्टैक में पुश हो जाएगा। ये मेरा फाइनल स्टेटस है अभी तक के लिए स्टैक का, और इधर के जो काम हैं यहाँ तक जो भी हमने काम किया उसके अकॉर्डिंग आगे बी का कोई नंबर नहीं, तो हम बी के लेफ्ट साइड देखेंगे, बी के लेफ्ट साइड में 3 है, तो State 3 के बी पर हम चेक करेंगे, State 3 के बी पर कौन सा नंबर दिया हुआ है, 8 नंबर है, ये 8 हमने यहाँ लिखा, और इसी 8 को हम यहाँ भेज दिए, जो हमारा ब्लैक सिंबल से, ब्लैक कलर से डिनोट किया गया है। अब 8 के डी पर हम देखेंगे, तो State 8 के डी पर हमारा Reduction Number 2 है, और Reduction Number 2 में लिखा हुआ है B2CB, BCB, यानी हम यहाँ पर इस सी, ग्रीन सी और येलो बी को हटाएंगे। इस जगह पे दो सिंबल दिए गए हैं राइट साइड में, दो का डबल 4 सिंबल को हम स्टैक से रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर से 8, ये येलो, ये 3, ग्रीन 3, और ये सी भी हमारा 4 सिंबल पॉप पॉप हो जाएंगे, और इसकी जगह पे इस बी को हम पुश कर देंगे। ऐसा करने पर इसको हमने इस कलर से दिखाया है, ये बी हमारा यहाँ आ गया, और अब इस बी को आगे हम प्रोसेस करें, तो आगे प्रोसेस करने पर बी के आगे कोई भी नंबर नहीं, तो बी के लेफ्ट साइड में 3 है, 3 के बी पर, State 3 के बी पर हमारा नंबर 8 है, इस 8 को यहाँ रखा, और यही 8 हमारा इधर आएगा, और इस 8 के डी पर हम चेक करेंगे, State 8 के डी पर क्या है, State 8 के डी पर अगेन हमें Reduction 2 मिल रहा है, जो B2CB है, और यहाँ सी बी, ये रेड C3 और ये लाइट ब्लू B8 हम रिड्यूस करेंगे, तो इसके 2 सिंबल होने से हम 4 सिंबल को रिड्यूस पॉप करेंगे अपने स्टैक से, ये 4 सिंबल हमारा C3 to B8 होगा, और इसको रिप्लेस कर देंगे हम अपने बी से, और इस बी को हमने यहाँ पर पर्पल कलर से दिखाया है, वही बी मेरा पुश होगा। यहाँ तक में हमने देखा कि
कि जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं वो बी है, और इस बी को आगे हम चेक करें तो आगे कोई नंबर नहीं, तो हम इसके लेफ्ट साइड में जीरो पर चेक करेंगे। जीरो के स्टेट जीरो के बी पर, स्टेट जीरो के बी पर हमारा नंबर टू है, हमने टू को रखा और इसी टू को इधर रखे। अब टू के डी पर, स्टेट टू के डी पर क्या दिया हुआ है, स्टेट टू के डी पर हमारा S7 है, इसलिए हम यहाँ पर डी को पुश करेंगे और इस 7 को यहाँ पर रख देंगे। तो दो सिंबल और भी हमारे स्टैक में आ गए, और आगे हमारे पास नंबर दिया हुआ, यहाँ से डी हमारा रिमूव होगा और अब हमारे पास नंबर है 7। तो 7 के डॉलर पर, स्टेट 7 के डॉलर पर रिडक्शन 3 है, और रिडक्शन 3 में B2D है, B2D। तो हम सिंगल सिंबल है राइट साइड में, तो डबल सिंबल यहाँ से हम स्टैक से पॉप करेंगे और इसकी जगह पर हम इस बी को पुश कर देंगे। तो D7 को हमने यहाँ से पॉप किया और इसकी जगह पे इस बी जो जिसको हमने ग्रीन से दिखाया है, इस बी को यहाँ पर ला करके पुश किया। और बी के बाद नंबर नहीं, तो हम बी के लेफ्ट में टू है, स्टेट टू के बी पर चेक करेंगे। स्टेट टू के बी पर 5 है, इस 5 को हमने यहाँ पे रखा और यही 5 इधर आ गया। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि 5 के डॉलर पर क्या दिया हुआ, इस 5 के डॉलर पर, स्टेट 5 के डॉलर पर R1 है और R1 मेरा रिडक्शन है E2BB, E2BB। और यहाँ दो सिंबल है, तो हम अपने स्टैक से 4 सिंबल्स, पर्पल B2, ग्रीन B5, इस 4 सिंबल को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे पुश करेंगे ई को। ई को जैसे ही पुश किया हमारा ये होगा और ये 4 सिंबल हमारा रिड्यूस हो जाए, पुश सॉरी पॉप हो जाएंगे। ई के लेफ्ट में कोई नंबर नहीं, तो इसके राइट साइड में चेक करेंगे। स्टेट जीरो के ई पर क्या दिया हुआ है, स्टेट जीरो के ई पर हमारा 1 दिया हुआ है, इस 1 को हमने यहाँ पर दिखाया और इस 1 के रखने पर इस 1 को इस स्टैक में पुश भी कर देंगे। अब हमारे पास 1 है टॉप ऑफ स्टैक सिंबल, इस 1 को डॉलर से कंपेयर करें तो स्टेट 1 के डॉलर पर हमारा एक्सेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर डॉलर को एक्सेप्ट लगा दिया। इस तरह से हमारे पास जितने भी इनपुट स्ट्रिंग्स थे हमने उनको स्कैन कर लिया और फाइनली हमारे पास ये टेबल मिला, जिस टेबल में डिफरेंट रिड्यूस दिए गए हैं। इस रिड्यूस को यदि हम चेक करें तो इससे हम पार्स ट्री बना सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा रिड्यूस है वो R3 है, यानी डी डी को हम इस डी को हमने पहले रिड्यूस किया बी में। इस डी को हम यदि बी में रिड्यूस करें तो ये मेरा कैपिटल बी होगा। सेकेंड रिडक्शन हमारा सी और बी का है, तो इस सी यानी यहाँ के सी और इस बी को यदि हम रिड्यूस कर दें तो हमारे पास एक न्यू स्टेट बी मिलेगा, एक न्यू रिडक्शन बी मिलेगा। और नेक्स्ट हमारा रिडक्शन अगेन सी बी का है, तो हम इस सी बी को सी को रखेंगे और इस बी को रखेंगे, तो हमारे पास ये बी रिड्यूस हो करके मिलेगा। नेक्स्ट तो हमारा फोर्थ रिडक्शन बी डी का है, तो इस LOD लास्ट वाले को हम बी में रिड्यूस किए। और लास्ट रिडक्शन मेरा फिफ्थ है, जिससे हम इस बी और इस बी को रिड्यूस कर ई बना लिए। इस तरह से बॉटम अप पार्सिंग हो गई और पार्स ट्री हमारे पास अवेलेबल हो गए। इसी पार्स ट्री को हम नेक्स्ट स्टेप पे दिखा रहे हैं, ये मेरा पार्स ट्री है। सबसे पहले हमने इस डी को बी में फर्स्ट रिडक्शन से रिड्यूस किया, देन सी और बी को रिड्यूस कर हमने सी और इस बी को रिड्यूस करके हमने रिड्यूस टू रखा, और इस बी और इस सी को रिड्यूस कर रिडक्शन 3 से हमने ये लिया, और
फोर्थ रिडक्शन में इस डी को बी में रिड्यूस किए और इन दोनों डी को हमने रिड्यूस कर दिया इसे फिफ्थ रिडक्शन में। यहाँ पर रिडक्शन नंबर हमने दिखाया है, आप एग्जाम में रिडक्शन नंबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस पार्ट डी को बना देंगे। इस तरह से हम अपने सी एल आर वन से पार्ट डी जेनरेट। थैंक यू।